डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है जिसको हम कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब SEO एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डेफिनेटली आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पिलर है आपके डिजिटल मार्केटिंग का, जिसके जरिए आप जो है नंबर वन पे आकर बहुत ही वैल्यूएबल आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको अपनी वेबसाइट पे ले जाकर एक ह्यूज प्रॉफिट या फिर अपना बिजनेस ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक पूरी ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट जहां पे SEO के बारे में ही हम पूरा कवर करेंगे, और ये जो पूरा कंटेंट है SEO से रिलेटेड वो करीब 5 से 6 घंटे का होने वाला है। तो डेली बेसिस पे आपको जो कोई ना कोई एक वीडियो मिलती रहेगी, सो दैट कि आप SEO एक्सपर्ट जो है वो बिल्कुल फ्री के अंदर बन सकें। तो पूरा जानने के लिए जो है आपको ये पूरी सीरीज को पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा। सो गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत, और पूरा डिटेल में SEO के बारे में हम समझेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को SEO के बारे में बताने वाला हूं कि SEO कॉन्सेप्ट कब जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और SEO को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या रीजन था, और कितनी तरह के SEO टाइप हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं, और उनके ऊपर में कैसे काम करना होता है। स्लोली ग्रेजुअली इन्हीं चीजों पे हम और एडवांस लेवल पे प्रैक्टिकल भी करते चले जाएंगे। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहीं चल के पूरा डिटेल में समझते हैं इसको। सो हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे गाइस, यहां पे हम बात करेंगे SEO के बारे में। सो व्हाट इज SEO? SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हम अपनी वेबसाइट्स पे कुछ काम करते हैं और उन वेबसाइट्स को हम अपने सर्च इंजन के नंबर वन पेज पे लेके आते हैं, सो दैट कि वहां से रिलेवेंट ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आए, और जो भी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट से आता है तो डेफिनेटली वहां पे उसका एक काम होता है, एक तरीका होता है, और जहां से जिसकी वजह से हम जो है अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट SEO का जो है यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज SEO और कब आपका SEO इंट्रोड्यूस किया गया। सो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो SEO कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन पीपल स्टार्टेड मेकिंग वेबसाइट्स, राइट। SEO उससे पहले तो किसी काम का था नहीं, राइट, और कॉन्सेप्ट समझ में भी क्यों आएगा। तो यहां पर जो है SEO तब आपका इंट्रोड्यूस किया गया जब लोगों ने वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर में बनाना स्टार्ट कर दिया गया। सो अप्रोक्सीमेटली 1991 के अंदर जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसके पीछे रीजन है बिकॉज नंबर ऑफ वेबसाइट्स इंक्रीज हो रही थी, और नंबर ऑफ वेबसाइट्स इंक्रीज होगी तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई हम वेबसाइट्स बना तो रहे हैं लेकिन हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जो ऑडियंस है, जो हमारी वेबसाइट तक आना चाहिए, जिसका हमारे टाइप ऑफ सर्विस, हमारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, वो कैसे हम तक पहुंच सकता है। सो बेसिकली यहां पर हेल्प किया SEO ने। तो बेसिकली यहां पे SEO जो है वो दो चीजों के ऊपर में डिजाइन किया गया था इनिशियली, पहला है आपका स्ट्रक्चर और दूसरा है आपका एक्सेसिबिलिटी। सो बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर रेडी किया गया जिसके जरिए जो है हर वेबसाइट ओनर जो है वो अपने वेबसाइट को सर्च इंजन तक पहुंचा दे, और वहां पर जो लोग भी अपने सर्च इंजन पे आकर कोई सर्च करते हैं, अपना कोई कीवर्ड डाल के सर्च करते हैं, तो डेफिनेटली उससे रिलेवेंट जो चीज वेबसाइट्स हैं वो वहां पे लिस्ट हो जाती थी, और जिसकी वजह से आपके उन वेबसाइट्स के ओनर के पास में विजिटर्स जो हैं वो इंक्रीज होने लग गए। तो ये जो है आपकी दो कॉन्सेप्ट के ऊपर में स्टार्ट हुआ था, और जब ये स्टार्ट हुआ था तो आपका याहू जो है वो यहां पर एज अ सर्च इंजन जो है सामने आया है, और ये आपका सबसे पहला सर्च इंजन जो है वो दुनिया का जो है बन गया था। लेकिन उसके बाद जो है गेम चेंज हो गई। गेम कैसे चेंज हो गई, बिकॉज याहू ने जो है बहुत ही डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करा इस चीज को लिस्ट करने में, लेकिन गूगल ने जो है एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और अपने हिसाब से जो है उसने आगे बढ़ाया। सो बेसिकली अगर हम गूगल की बात करें, सो द SEO कॉन्सेप्ट बूस्टेड, ये आपका बूस्ट कब हुआ, व्हेन गूगल केम इनटू पिक्चर। तो गूगल जब आपका इंट्रोड्यूस हुआ, विच इज 1998 के अंदर जो है आपका गूगल जो है इंट्रोड्यूस किया गया, सो गूगल स्टार्टेड टेकिंग अ चार्ज एज अ सर्च इंजिन। तो यहां पे जो है सर्च इंजिन के रूप में गूगल ने अपने आप को रिप्रेजेंट करा, और यहां पर उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सो दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एल्गोरिदम। जो याहू नहीं कर पा रहा था वही चीज यहां पे जो है गूगल ने करना स्टार्ट कर दी, और गूगल ने तीन चीजों के ऊपर में फोकस किया,
राइट। पहला फोकस किसके ऊपर था, द वैल्यू ऑफ क्वालिटीज, है ना, जो क्वालिटी है, जो आप जो भी वेबसाइट है उसकी क्वालिटी के ऊपर मैं काम किया। रिलेवेंसी कितनी है, जो यूजर सर्च कर रहा है उससे कितनी वो रिलेवेंस है, मतलब उसका जो कंटेंट है वो किस उससे कितना कनेक्टेड है। और तीसरा यहां पे कंटेंट, कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट उनकी वेबसाइट के ऊपर में अवेलेबल है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिसके ऊपर में गूगल ने जो है अपने एल्गोरिदम को डिजाइन करना स्टार्ट करा और यहीं से गूगल की जो है शुरुआत हो गई। गूगल इसी तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर में, या इससे रिलेटेड यू कैन से क्वालिटी हो गया, और दूसरी चीज यहाँ पे जो है आपका रिलेवेंसी हो गया, तीसरा चीज कंटेंट हो गया, यानी कि ये तीनों चीजों जिसके भी वेबसाइट पे ये तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनको जो है नंबर वन पे लेके आने लग गया, उनके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर पहुंचने लग गए और ज्यादा से ज्यादा विजिटर उनकी वेबसाइट पे जाने लग गए। तो यहीं से जो है SEO कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बूस्ट कर गया। अब इसके बाद जो है आपका अगर बात करें टाइप ऑफ SEO की, सो बेसिकली हमारा सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, विच इज अ ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रैक्टिस, क्या बोला गया यहां पे, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है, राइट, यहां पे यू कैन सी लिखा हुआ प्रैक्टिस है ना, टू इंक्रीज द नंबर एंड रिलेवेंट विजिटर्स। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर्स ही इंक्रीज करने हमारी वेबसाइट पे, हाँ भर भर के आने दो ट्रैफिक जो भी आ रहा है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। रिलेवेंट ट्रैफिक, जो चीज जो कंटेंट हमारी वेबसाइट पे है उसमें जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वही हमारी वेबसाइट पे आने चाहिए। इसी तरह की जो प्रैक्टिस है इसको हम SEO कहते हैं, विजिटर टू अ वेबसाइट By improving ranking in the search engine algorithm, जो आपका सर्च इंजिन का जो एल्गोरिदम है उसके जरिए अगर हमारी वेबसाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर में आ जाती है तो यहां पे रैंकिंग आपकी वेबसाइट की बढ़ जाती है और आप गूगल के या किसी भी सर्च इंजिन के नंबर वन पेज पे आ जाते हो और उस पे आने का आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। अगर हम बात करें भी टाइप ऑफ SEO की तो हमारे पास में तीन कैटेगरीज ऑफ टाइप ऑफ SEO अवेलेबल है। पहला होता है आपका ऑन पेज SEO, दूसरा होता है ऑफ पेज SEO, तीसरा होता है आपका टेक्निकल SEO। तीन कैटेगरीज है हमारे पास में, तो वन बाय वन करके समझते हैं ऑन पेज SEO क्या है। सो ऑन पेज SEO इज रिलेटेड टू कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, व्हाट एवर यू कंटेंट आपने पोस्ट किया है आपकी वेबसाइट पे, तो उसके साथ में जब आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो कि वो गूगल के सर्च इंजिन के नंबर वन पेज पे आ सके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑन पेज SEO। दूसरा होता है हमारे पास में ऑफ पेज SEO। सो बेसिकली ऑफ पेज SEO इज अ टेक्निक वेयर वी क्रिएट बैकलिंक्स फ्रॉम अदर सिमिलर निश वेबसाइट्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो क्या करते हैं, बैकलिंक क्रिएट तो करना चाहते हैं लेकिन वो रिलेवेंसी नहीं देखते हैं। कि अगर देखो मान लीजिए कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, मेरा इंटरेस्ट SEO के अंदर है, लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि भाई तुम एक काम करो, तुम ये सब छोड़ के तुम एक काम करो, तुम अपना ट्रेवल एजेंसी की तरफ में ध्यान दो, तो क्या मेरा उसमें इंटरेस्ट आएगा? नहीं। तो अगर मैं किसी ऐसी वेबसाइट से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेकर आ रहा हूं जिसका कोई भी रिलेवेंसी नहीं है मेरे वेबसाइट के, मेरे कॉन्टेंट के ऊपर में, तो क्या होगा, यहां पर आपके वेबसाइट पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। बिकॉज जो लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं वो आपकी वेबसाइट पर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और वो जैसे ही आएंगे कॉन्टेंट उनको पसंद नहीं आएगा वो बंद कर देंगे, जिसमें आपको पेनल्टी लग सकती है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखना है ऑफ पेज SEO के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकल SEO की, तो टेक्निकल SEO क्या है, राइट, कंटेंट तो हो गया, हम ऑफ पेज भी हो गया, व्हाट इज टेक्निकल SEO? सो टेक्निकल SEO इज नॉन कंटेंट एलिमेंट ऑन योर वेबसाइट। अब नॉन कंटेंट क्या चीजें हैं, राइट, क्या ऐसी चीजें हैं जो नॉन कंटेंट हमारी वेबसाइट पे होती हैं? सो बेसिकली यहां पर वेबसाइट को आपका जो ऑप्टिमाइजेशन करना, यानी कि वो कितनी जल्दी ओपन होती है, राइट, उसका जो पेज स्पीड की अगर बात करें तो पेज जो है स्पीड उसकी कैसे है, और आपके पास में उसका जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती है अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से, जिसको हम लोग आज की डेट में रेस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं, तो ये सारा आपका नॉन टेक्निकल SEO के अंदर आता है। तो ये तीनों ही एस्पेक्ट अपनी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों पर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो एक बैकड्रॉप, आप कह सकते हैं कि एक आपके पास में एक ऐसा गैप रह जाता है जो आप फिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप गूगल के नंबर वन पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। सो गाइस आई होप कि आपको जो एक
मैंने इंट्रोडक्शन दी है एसईओ की, वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है और इसी से तरह से आपको 5 से 6 घंटे का कंटेंट आपको इसी तरह से इसी क्वालिटी के अंदर जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और विद प्रैक्टिकल प्रोवाइड करूंगा, सो दैट कि आपको पूरा नॉलेज हो जाए एसईओ का। अगर आपको ये कॉन्टेंट पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हैं चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलता हूं मैं आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।